बहुत सारे लोग होते हैं जो इकट्ठा 30,000 रुपया नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो ऐसे में उनको लगता है कि शायद वो 2cc नहीं कंप्लीट कर सकते और ये जो बिजनेस है ये उनके लिए नहीं है, जिसके कारण वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो ये बिजनेस करें या ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत एक आसान तरीका, जिसमें आप सिर्फ अगर आपके पास 4206 रुपये हैं तब भी आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत सिंपल टिप्स आपको बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 4206 रुपीज़ के साथ, और आपको बिल्कुल प्रूवन एंड टेस्टेड टेक्निक बताने जा रहा हूँ। हालांकि 2cc के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी बहुत सारे लोगों का मेरे को कमेंट में भी ये मैसेज आता रहता है कि सर कोई और आसान तरीका बताओ जिससे और ज़्यादा बेटर आसानी से हम लोग 2cc कंप्लीट कर सके। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी टेस्टेड है और प्रूवन है, यानी कि इस टेक्निक को यूज़ करके मेरी टीम में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं 2cc कर चुके हैं और आज भी करते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली अपनी टीम में एक पर्सन की एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। लगभग एज है उसकी 2021 के करीब करीब, और आपको पता है कि 2021 के करीब करीब ज़्यादातर जो पर्सन हैं वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने 30,000 रुपये की सेविंग्स नहीं की होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अपने पेरेंट्स से ही पैसे मांगने पड़ते हैं। तो जब वो पर्सन मेरे पास आया तो मैंने उसको बताया कि 2cc करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे और 2cc से ही एक्चुअल में बिज़नेस स्टार्ट होता है। तो वो उसको लगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया करियर है, इसमें वो भी करियर अपना बहुत अच्छा बना सकता है। तो उसने बोला कि सर ठीक है, मैं 2cc अपना जो है वो जल्दी कंप्लीट कर लूँगा, मैं अपने घर वालों से जाके बात करूँगा। तो जब नेक्स्ट डे वो आया तो उसके फेस के ऊपर एक निराशा थी, और वो उसको लगा कि नहीं सर, वो कह रहा था मेरे को कि नहीं सर मैं ये 2cc नहीं कर पाऊँगा, मेरे घर वालों ने मना कर दिया है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरे घर वालों ने पैसे देने से मना कर दिया है। मैंने कहा अच्छा, क्या बात क्या हुई डिटेल में? तो उसने बताया कि जब उसने जाके बताया, अपने घर वालों से पूछा और उनको बताया कि 2cc करना है और 2cc करने के लिए तकरीबन 30,000 रुपये लगेगा, और 30,000 रुपया पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया कि वो इतना पैसा नहीं दे सकते क्योंकि बिज़नेस नया है, तुम भी अभी बहुत छोटी एज के हो, तो हमें नहीं लगता कि तुम इसमें कुछ कर पाओगे और आपके पैसे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया। तो मैंने कहा यार देखो, ऐसे है कि आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, पेरेंट्स जो आपके वेलविशर हैं और उनको भी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है आपसे, तो उन्होंने कुछ सोच के ही मना किया होगा। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते और या फिर उनके पास सच में सेविंग्स है ही नहीं है, यानी कि 30,000 रुपया उनके पास है ही नहीं है, या अगर है तो बहुत कम सेविंग्स हैं तो उसमें से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो आप चिंता क्यों करते हो? तो उसने बोला कि सर कोई तरीका है, कोई ईजी तरीका है, कोई ईजी वे है तो मेरे को वो बताओ, अदरवाइज मैं ये बिज़नेस नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता इसको। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ उसके साथ नहीं, इससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुई है, आपके भी साथ ऐसा ही हो रहा होगा। और लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपके पास 30,000 नहीं है, आपके पास सिर्फ 4206 रुपये हैं, तब भी आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने यही चीज़ उसको बताई, क्योंकि मैंने कहा यार अगर 30,000 रुपया तू नहीं लगा सकता तो तू कितने लगा सकता है? तो बोला सर 30,000 रुपये ऑब्वियसली मेरे लिए भी ज़्यादा अमाउंट है, मेरे पास सेविंग्स है ही नहीं है, तो मैं 30,000 रुपये नहीं लगा सकता, मैं इससे कम शायद थोड़ा बहुत लगा सकता हूँ। तो मैंने कहा कितना? क्योंकि ऑब्वियसली अगर बिज़नेस शुरू करना है तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, अगर आप ये सोचो कि प्रोडक्ट्स के बिना ही आप बिज़नेस करोगे तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि बिज़नेस प्लान के अकॉर्डिंगली अगर जब तक आप 2cc नहीं कंप्लीट कर सकते हो आप किसी और को अपने बिज़नेस में नहीं लेके आ सकते, एनरोल नहीं कर सकते, तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट्स चाहिए। तो उसने बोला, उसने मेरे को राउंड एक फिगर दिया कि सर 4,000 से 4,500 रुपये तक मैं शायद मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको राउंड फिगर दिया है 4206 रुपीज़, यानी कि मैंने आपको इनफैक्ट ये फिगर दिया है कि सिर्फ 4206 रुपये के अंदर अंदर आप 2cc कर सकते हो, क्योंकि ऐसा उसने किया। जब उसको मैंने बताया, वे बताया, तो उसने ऐसा किया, और उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, और मैं फिर बता रहा हूँ ये टेक्निक से आप ये सीखोगे एग्जैक्ट अमाउंट की बजाय आप सिर्फ ये देखो कि टेक्निक क्या है, कैसे कैसे हुआ, और इस टेक्निक के थ्रू बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरी टीम में कर चुके। तो 4206 रुपीज़ आपको एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ, और इस फिगर के साथ बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरी टीम में कर चुके हैं। तो उसने बोला कि सर बोलो कि कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं। अब मैंने कहा तू 4,000 4,500 कर सकता है ना, तू 4,500 अभी छोड़, तू 4,206 रुपये तेरे को सिर्फ इतना ही लगाना है, तू कर सकता है? वो कहता है सर हाँ, मैं इसके लिए मैं रेडी हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं पेरेंट्स को मना लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो अपना 4,206 रुपये लेके आ। तो अगले दिन वो आया, उसने घर वालों से ऑब्वियसली बात की होगी, तो घर वाले एग्री हो गए,
घर वालों ने बोला कि 30,000 तो नहीं, हम लोग आपको थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो 4206 रुपये के ऊपर डील जो है फाइनल हुई और वो 4206 रुपये लेके अगले दिन मेरे पास पहुंच गया। अब मैंने उसको सजेस्ट किया कि तूने 3 हनी की बॉटल्स, 3 शहद की बॉटल्स बाय करनी है तूने। एक बॉटल मिली 1402 रुपये की, तो 1402 रुपये के हिसाब से 3 बॉटल्स बनी 4206 रुपये की। तो मैंने उसको बोला कि ये बॉटल्स तूने बाय करनी है, तो उसने वो 3 बॉटल्स बाय की। उसने बोला कि सर बताओ अब क्या करना है। तो मैंने कहा तू मेहनत करने के लिए रेडी है ना? तो मेहनत करने के लिए वो पहले से ही रेडी था। उसने बोला कि हाँ जी सर बिल्कुल मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को तो सिर्फ अमाउंट की दिक्कत आ रही थी। तो मैंने कहा अब तूने क्या करना है, ये 3 बॉटल्स तूने सेल करनी है, ये 3 बॉटल्स तूने अपने लोगों में शेयर करना है प्रोडक्ट को, और सिर्फ हनी के ऊपर फोकस करेगा। तू सिर्फ हनी के ऊपर फोकस करेगा क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटी रखने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे, ज़्यादा पैसे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। तो मैंने उसको बोला कि तू सिर्फ और सिर्फ हनी के ऊपर फोकस करेगा और हनी की जितनी भी नॉलेज है तू उसको पहले ले ले। तो उसने हनी के ऊपर जितनी नॉलेज वो इकट्ठी कर सकता था, मेरे से जितनी नॉलेज ले सकता था, जो भी उसके लिए प्रेजेंटेशन रेडी कर सकता था, वो सारा कुछ उसने किया। और उसने ऐसे किया, 1-to-1 शेयर करना शुरू किया उसने अपने नियर एंड डियर वन से, अपने नज़दीकी लोगों से। और देखते देखते उसकी 3 बॉटल्स निकल गई, वो सेल हो गई 3 बॉटल्स। तो 3 बॉटल्स जब उसकी सेल हुई तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, वो बड़ा हैप्पीली मेरे पास फिर आया अगले दिन। उसने बोला कि सर 3 बॉटल्स सेल हो गई हैं, पर मेरे को बताओ 2cc कैसे करना है। तो मैंने कहा भाई ये 3 बॉटल्स तेरी सेल हुई हैं, ये 4206 रुपये तेरे वापस आ गए तेरे को, इसके साथ साथ इसका प्रॉफिट भी आया क्योंकि तूने ऑब्वियसली MRP के ऊपर सेल किया है, तो तेरा प्रॉफिट भी साथ में ऐड हो गया। तो अब तू क्या कर, 3 बॉटल दोबारा फिर से हनी की बाय कर ले, और उसके साथ साथ जो तेरे को एडिशनल प्रॉफिट हुआ है उसके साथ साथ तू एक टूथपेस्ट सेल जो है वो बाय कर ले। तो उसने ऐसा ही किया, टूथपेस्ट बाय किया। अब उसके पास 3 हनी की बॉटल है और एक टूथपेस्ट की बॉटल है, और वो चारों प्रोडक्ट्स लेके फिर से अपने जान पहचान के लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिया उसने, और जाके शेयर करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते एक ही दिन में उसका फिर दोबारा से वो चारों प्रोडक्ट्स निकल गए, और फिर वो अगले दिन मेरे पास आया और मैंने उसको बोला कि अब इसको रिपीट करता जा, जो भी प्रोडक्ट है इसको जो है वो अपने लोगों के साथ शेयर करके इसको मूव कर, और जो प्रॉफिट है उसको ऐड ऑन करके नए प्रोडक्ट्स एक एक करके ऐड ऑन करता जा। और ये करते करते देखते ही देखते, क्योंकि आपको पता है कि 2cc करने के लिए आपको कंपनी जो है वो कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स का टाइम देती है, देखते देखते उसने सारे प्रोडक्ट्स जो अपने सेल कर दिए और अपने घर पे भी प्रोडक्ट यूज़ किया उसने हनी, और एक एक करके नए प्रोडक्ट्स भी ऐड किए, और देखते देखते उसका 2cc कंप्लीट हो गया। 2cc कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 2cc कंप्लीट नहीं हुआ, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया, और यही चीज़ वो अपनी टीम को भी सिखानी शुरू कर दी उसने। यही चीज़ सिखा के मैं अपनी टीम में भी बहुत सारे लोगों को आज तक 2cc करवा चुका हूँ। अगर आपके पास 30,000 इमीजिएटली नहीं है तो दिस इज़ द सिंपल वे जिसके साथ अपना आप 2cc कर सकते हो। 4206 रुपये की एक अमाउंट मैंने आपको इसलिए बोली थी क्योंकि वो उसके पास इतना ही अमाउंट था, आप अपनी पॉकेट के अनुसार अपनी अमाउंट को थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट्स डिसाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं इकट्ठा बाय करना है, आप धीरे धीरे बाय करके और उसको रिपीट करते करते अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बड़ा सिंपल वे, इसको प्रैक्टिकली करिए, आई अश्योर यू कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप इसको वाकई ही सक्सेसफुली कर पाओगे। यही करते करते आप भी अपना 2cc कंप्लीट करके आगे की नेक्स्ट प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तब भी आप वीडियो में कमेंटिंग में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं, अगर आप कमेंट में बताएंगे कि कहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपके सामने लेके आऊँगा। और साथ के साथ आप, अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे को लिख के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर आपके लिए एक बहुत बढ़िया जल्दी से वीडियो लेके आऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।